हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं न्यू मून पर रीडिंग करूँगी। न्यू मून बहुत जल्द आने वाला है, 20 अप्रैल को है। तो जानेंगे कि न्यू मून आपकी लाइफ में क्या न्यू इवेंट्स लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी न्यू मून के आने से। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके कनेक्शन में क्या इम्प्रूवमेंट हो पाएंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी बातें मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है न्यू मून और क्या न्यू ब्लेसिंग इवेंट्स एडवेंचर आपकी लाइफ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहां तक पहुंचेंगे आप आराम से देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी ये रीडिंग। ओके, चलिए अब देखते हैं कि न्यू मून आपकी लाइफ में क्या अबंडेंस लेकर आने वाला है। द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, यहां से कार्ड्स आ गए आपके लिए। तो क्या अभी सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी यही बात, ताकि आपको पता चल जाए रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। देखो, आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करनी है, लाइक एम्परर बनना है आपको। आपको अपने लिए कुछ सॉलिड क्रिएट करना है आपके, ताकि आपका फ्यूचर सेटल हो जाए और आप एक एम्परर की तरह लाइफ अपनी जिए। ठीक है, आपके सपने बड़े दिख रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो आजकल, ताकि आप अपने पर्पस को अचीव कर लें, लेकिन इसमें आपको डिले देखने को मिल रहा है। आपके एफर्ट्स काम नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप जानते हैं इस टाइम यूनिवर्स की नज़र आप पर है, आप कैसे काम कर रहे हो, क्या बातें आप बोल रहे हो, ठीक है, और क्या आप सोच रहे हो, यूनिवर्स हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं किस तरीके से आप डिले को भी फेस कर रहे हो, किस तरीके से आप इस डिले के साथ भी हार्डवर्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बट आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक एम्परर वाली है। आपको तो जीतना है तो जीतना ही है, हार नहीं माननी आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। आपको देखो अभी तक विक्ट्री तो नहीं मिली है, लेकिन आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो बिल्कुल भी। आपको पूरा विश्वास है, आपका रास्ता बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके इरादे नेक हैं। आपका जो इरादा है वो बिल्कुल पक्का है कि आपको अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। एक बात और है गाइज, यहाँ पर ना देखिए, जो डिले जो बन रहा है अभी, आपका करंट सिनेरियो बता रही हूँ मैं, जो भी है जो डिले बन रहा है ना, वो कुछ डेविल एनर्जी की वजह से भी दिख रहा है। ठीक है, ये जो डेविल एनर्जी आपके अराउंड है ना, ये आपको ना सिंगल छोड़ नहीं रही है, मतलब आपको अकेला छोड़ नहीं रही है, और आपके आसपास ना काफ़ी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ना आपका सर रहता है काफ़ी भारी भारी सा। ओके, और इसी वजह से ना आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। डिले ना मतलब कुछ तो देखो आपकी वजह से भी हो सकता है, बट कुछ आपके आसपास के लोगों की वजह से भी ये डिले है। ये डेविल एनर्जी, देखो सीधा इस कार्ड के नीचे ही डेविल का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके आसपास की एनर्जी थोड़ा ठीक नहीं है, आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे? सबसे पहले तो आपको ज़्यादा लोगों के साथ बातें नहीं करनी, अपने टारगेट्स, अपना प्लान, जो भी स्ट्रेटजी है वो नहीं बताना है आपको। ठीक है, अपने आप में रहो, अपने आप में मस्त रहो। ठीक है, ये काम आपको करना है। दूसरा, आप
अगर आपको देखो नज़र उतरवानी है अपनी तो वो उतरवा लें, ठीक है, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो जो पॉजिटिव बातें बोलते हो वो आप बोलते रहें। बहुत सारे तरीके हैं खुद को इस एनर्जी से बचाने के लिए, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी। जब आप एक एम्परर हो, ठीक है, आपका सोचने का तरीका, एक्शन लेने का तरीका एक एम्परर से कम है ही नहीं, तो थिंक क्या करना, इतना इतना सोचना क्या, इसमें मिलेगा ही मिलेगा। आपके हाथ में रिजल्ट है, आपके हाथ में रिवॉर्ड है, ये आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें मुझे दिख रही है, बट आप ओवर थिंकिंग करते हो। और दूसरा गाइस, अभी आप अपने लव लाइफ को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हो, वो तो हर कोई है। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे दिख रहे हो, दोनों कार्ड बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यूनिवर्स का भी कार्ड है हमारे पास। तो यस, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको ना इस टाइम ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून पर आपको या तो इस पर्सन का ड्रीम आएगा या फिर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपको 555 नंबर दिख रहा है, 333 दिख रहा है, नंबर 2 आपको शो होता है बार बार, ठीक है, और नंबर 4 आपको शो होता है बहुत बार। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बार बार शो हो रहे हैं, ये नंबर बता रहे हैं कि अभी आप प्रोसेस में हो, अभी आप फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ना लक भी काम नहीं कर रहा है अभी, ये चीज़ भी दिख रही है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है, अब देख लेते हैं कि न्यू मून क्या आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकता है, क्या ये सिचुएशन बदलेगी। ओ वाओ, न्यू मून आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आ रहा है। ओ माय गॉड, मिरेकल, तो मिरेकल तो आपके लिए रेडी हो चुका है गाइस, जो आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। वर्कहोलिक, जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से काम किया है, तो मिरेकल अर्न कर लिया है आपने, तो न्यू मून आपको मिरेकल देगा एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। मिरेकल आ रहा है आपके पास एंड ग्रोथ आ रही है, वाओ यस। अब आपके काम जो नहीं बन रहे थे ना, अब बनेंगे, क्योंकि आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है। अब मेरे कल भी आपके लिए कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। अब आपको ग्रीफ में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ में आप आगे ही बढ़ रहे हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ, ये सेल्फ वर्थ देखो आपको मिलेगा। ये आपकी लाइफ में ना देखो जो सिचुएशन अभी दिख रही है, जैसे आपके इतनी सारी परेशानियां आपके साथ हैं, दिक्कतें आपके साथ हैं, ऐसे में तो मिरेकल ही काम आएगा आपके, और मिरेकल डिवाइन ने आपके लिए बना भी दिया है। आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना कम कर दें, ये बार बार बातें आ रही हैं रीडिंग में, और कुछ ना कुछ डिस्कवर तो आप कर ही रहे हो, आप हार तो मान ही नहीं रहे हो। वर्कहोलिक का कार्ड एक कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, ठीक है। आपको दुख होता है जब आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप काफ़ी इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातें आप दिल पर ले लेते हैं और रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी, पता है अगर कोई आपको बुरा भला बोल दे ना आपके मुंह पे, आपको इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, और दिल के साफ हो, तो इसी वजह से ना वो चीज़ें आपको हर्ट कर जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उन जो भी आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप वैसा किसी के साथ करते नहीं हो, तो कोई अगर आपके साथ करे तो आपको ना बहुत ज़्यादा लो फील होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि दुनिया का कैसा ही रूप है जो ऐसा है, ठीक है, मतलब आपको बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, तो इनसिक्योरिटी आ जाती है और रोते हो फिर आप। लेकिन आपको पता है इस चीज़ों से बचने के लिए ही ना आपको बोला जा रहा है, किसी से मत मिलो, किसी से ज़्यादा बातें मत करो, डिस्कवर करो, आपके पास सेल्फ वर्थ आएगा, 100% आएगा, और ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो न्यू मून तो आपके लाइफ में ग्रोथ और मिरेकल और सेल्फ वर्थ लेकर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपके पास आएगी न्यू मून के आने से, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो जाएगा, इम्पैक्ट रहेगा 15 दिन तक, ठीक है। तो इन 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आपका बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाए, जिस पर आप काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से। और देख लेते हैं और कुछ पता चलेगा तो, अगर फाइव ऑफ सोर्ड्स, या थोड़ा लड़ाई झगड़ों से बच के रहना गाइस, अभी भी वार्निंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। देखो टावर, क्योंकि ना ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स ही टावर ला रहे हैं आपके लाइफ में, और फिर वरना आपको रिग्रेट होगा,
रिग्रेट होगा, वरना बाद में आपको थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। लवर्स, ओके, आपके लवर के साथ भी आपके थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर वो आपको लगे नाराज हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा शांत रहने की जरूरत है उस टाइम पे। सेवन ऑफ कप्स एंड एम्परर, वाओ, अगेन एम्परर। आप देखो, एक एम्परर हो, आपका खुद का एक स्टैंडर्ड है। वाओ, टू ऑफ कप्स अगेन, दो दो बार आ गया ये कार्ड, टू ऑफ कप्स, यहाँ से भी टू ऑफ कप्स। आप हो तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में। देखो, टावर मूवमेंट ना, ये भी हो सकता है कि एक सडन चेंज आ जाए आपके कनेक्शन में, ठीक है, ये बात भी हो सकती है। और सडन चेंज, देखो आपको ना बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा, बहुत अच्छे से आपको, सॉरी गाइस फॉर द नॉइज। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, यस, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अगर आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर बोलना है, ठीक है। और मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी, आप कम बोलना, आप बोलना ही मत, जो भी टॉपिक जिस पर भी बात हो उसे इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है। या तो अगर मतलब सामने से अच्छा रिस्पांस ना आए तो, लेकिन अगर वो अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो भी गाइज आप बहुत ही, फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, टू ऑफ कप्स कार्ड बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा फील करते हो और ट्रू लव है आप दोनों का, ठीक है। तो लव लाइफ में सडन चेंजेस भी आने के चांसेस हैं, लेकिन आपको बस अपने आपका जो मूड है ना, वो बहुत सही रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी ना हो, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स में हो जाए, या फिर कजन्स के साथ कुछ हो जाए, या फिर जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हो जाए। थोड़ा सा बच के रहना, ओके, इस सिचुएशन को आने मत देना अपनी लाइफ में। अदरवाइज तो न्यू मून काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, मिरेकल आ रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। और देख लेते हैं डिटेल में कुछ और भी, अगर पता चलता है तो। वाओ, सोलमेट, यस, सोलमेट का कार्ड यहाँ पर तीसरी बार आया है। ये तीनों कार्ड सेम है, देख रहे हैं आप, तीनों कार्ड सेम है। तो यानी कि जितने भी ये सोलमेट कनेक्शन में है ना, आपके कनेक्शन में चेंज आएगा, सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन खत्म हो जाए आपका, आपकी अच्छे से बात होनी शुरू हो जाए, ये चीज हो सकती है। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, न्यू मून आपका सेपरेशन फेज खत्म कर दे, वेडिंग, वाओ, ओह माय गॉड, ये सारे कार्ड ना बता रहे हैं कि आपका सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये तो आप कर ही रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है, ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सडन चेंज आने के चांसेस हैं। हनीमून, वेडिंग, हनीमून, ओ माय गॉड, कहीं आपकी शादी तो नहीं होने वाली है, कुछ के लिए हो सकता है कमिटमेंट आ जाए आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से, और आपका सेपरेशन खत्म हो जाए कुछ की लाइफ में, ये भी हो सकता है। तो जिनकी भी लाइफ में ये हो, आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट येस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सेफ समझते हो, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों एक दूसरे को सेफ समझते हो खुद के लिए, और जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल हैं, और बहुत प्यार है यहाँ पर आपके कनेक्शन में, दिख रहा है एक दूसरे के लिए। तो आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, या फिर आपका कनेक्शन एक अनदर लेवल पर पहुँचने वाला है, जहाँ पर आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू मून कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से दुआएं कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि ये चीज़ें हों, तो ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। अब ये किन के साथ हो सकता है गाइस, जो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल उनके साथ होगा। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना है गाइस, बाय, टेक केयर।